नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का बैंकिंग अपडेट में। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो दोस्तों, 5 और 6 जनवरी का हमारा जो SBI क्लर्क का प्रीलिम्स एग्जाम है वो कंप्लीट हो चुका है। टोटल 8 शिफ्टों में हमको एग्जाम देखने को मिला है और अब जो है आगे 11 और 12 तारीख को हमारा SBI क्लर्क प्रीलिम्स होने वाला है। ठीक है, तो दोस्तों बात करते हैं गुड अटेम्प्ट को लेकर कि गुड अटेम्प्ट SBI क्लर्क के रिगार्डिंग क्या रहे हैं। एक्सपेक्टेड कट ऑफ को लेकर भी बहुत से कैंडिडेट पूछ रहे हैं कि सर एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रहने वाली है SBI क्लर्क को लेकर, और जैसे अटेम्प्ट्स क्या है और किन कैंडिडेट्स को मेंस के रिगार्डिंग अपनी प्रिपरेशन अभी से स्टार्ट कर देनी चाहिए, तो वो सारी चीजें हम लोग यहाँ पर सिंगल वीडियो में कवर करेंगे। सबसे पहले नंबर पे बात करते हैं। देखिए दोस्तों, जो आपके एवरेज अटेम्प्ट है, ठीक है, जो अधिकतर मात्रा में कैंडिडेट्स के एवरेज अटेम्प्ट देखने को मिले हैं वो है आपके 75+ तक। ठीक, 75+ से अगर आपके अटेम्प्ट अच्छे नंबर हैं, ठीक है, एक्यूरेसी आपकी बहुत सही है, क्योंकि देखिए सबसे मेन इंपॉर्टेंट होता है एक्यूरेसी पार्ट। ठीक है, अगर आपकी एक्यूरेसी बहुत अच्छी है, जैसे आप, मैं एग्जांपल के तौर पे बात करता हूँ, एक कैंडिडेट है जिसने आपके 89 तक अटेम्प्ट किए हैं। ठीक, अब उसकी एक्यूरेसी अगर मैं बात करूँ तो जैसे उसके मन में डाउट है कि मेरे 8 से 9 क्वेश्चन या फिर आप कह सकते हो 6-7 क्वेश्चन मेरे गलत हो जाएंगे, तो जाहिर सी बात है उसका कोई मतलब नहीं रहता है। और वहीं कैंडिडेट एक है जिसने आपका 78-77 के नियर अराउंड अटेम्प्ट किए हैं, लेकिन उसको अपनी एक्यूरेसी पे पूरा भरोसा है, 100% एक्यूरेसी है उसकी। ठीक है, तो यहां पर उस कैंडिडेट के चांसेस ज्यादा रहते हैं। बाकी अगर मैं बात करूं, टोटल 8 शिफ्टों में एग्जाम हुआ था, जाहिर सी बात है कुछ शिफ्टों में थोड़ा सा क्वांट लेवल भी अच्छे लेवल का देखने को मिला था, मतलब कि कोई शिफ्ट आपकी थोड़ा सा टफ आई थी, कोई शिफ्ट आपकी बहुत इजी आ गई थी, तो नॉर्मलाइजेशन आपको हर हालत में देखने को मिलेगा ही मिलेगा। ठीक, तो अगर आपके ऑन एवरेज अगर 75+ अटेम्प्ट हैं, 100% एक्यूरेसी पे आपको अपनी भरोसा है, तो बिल्कुल आप आज ही से मेंस रिगार्डिंग पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। इसलिए क्योंकि SBI क्लर्क का जो आपका प्रीलिम्स का रिजल्ट है वो आप जानते हो कि वो रिजल्ट आएगा उसके जस्ट 10 से 12 दिन ही आपको मिलेंगे मेंस को लेकर, क्योंकि SBI मेंस एग्जाम के रिगार्डिंग ज्यादा प्रिपरेशन का टाइम नहीं देता है। तो जाहिर सी बात है अगर आपको अपनी एक्यूरेसी पे भरोसा है और आपके अटेम्प्ट जो है ऑन एवरेज 75+ तक है, 100% एक्यूरेसी है, तो बिल्कुल आप जो है अच्छे से मेंस की रिगार्डिंग अभी से तैयारी स्टार्ट कर दो। बात करते हैं देखो एक्सपेक्टेड कट ऑफ को लेकर, तो वो तो आप 11-12 का जब एग्जाम हो जाएगा तो उसके बाद ही आएगा। इसके अलावा स्टेट वाइज जो वैकेंसीज हैं वो एक्सपेक्टेड कट ऑफ को लेकर काफी जो है, मतलब आप कैसे तो डिपेंडेबल रहेंगी, क्योंकि जहां पर ज्यादा वैकेंसीज होंगी वहां के हिसाब से कट ऑफ, मतलब हर एक स्टेट वाइज की वैकेंसीज के ऊपर ही आपको कट ऑफ जो है तय होते हुए देखने को मिलेगी। बाकी 11-12 का एग्जाम हो जाएगा उसके बाद एक्सपेक्टेड कट ऑफ को लेकर भी बात करेंगे। और अभी से मेंस के रिगार्डिंग आप प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि जाहिर सी बात है आने वाले समय में भी आपके सामने बहुत से एग्जाम होंगे, तो आपको कहीं ना कहीं उसमें भी बेनिफिशियल रहेगा। ठीक है, बाकी आपके क्या अटेम्प्ट रहे हैं और आपके किस शिफ्ट में एग्जाम था, किस डेट में एग्जाम था, आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ध्यान रखिएगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।